मेरा प्रणाम और पहला वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है सैटरडे और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दोपहर के 1 बजे से। सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कर लिया था और बाकी छुटपुट जो भी काम थे वो सारे मैंने कर लिए थे और थोड़ा बिजी हो गई थी तो इस वजह से व्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई। तो अभी फ्री थी, मैंने सोचा कि जल्दी से व्लॉग की शुरुआत कर ली जाए। और आज ना मैं अभी नहा के ही आई हूँ बस, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी तो मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला। फिर बस से आज नौमी की भी छुट्टी है ना, तो उसके साथ कुछ भी काम नहीं हो पाता है। तो अभी बस मुझे टाइम मिला तो अभी मैं नहा के आई हूँ और बस अभी मुझे लंच बनाना है तो लंच मैं बनाऊंगी। अभी नौमी मम्मी के साथ है, वो मम्मी कल उसका सॉरी मंडे को उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है ना, तो मम्मी उससे तैयारी करवा रही हैं तो वो अभी मम्मी के साथ बैठ के आराम से पढ़ रहा है और मैं अभी लंच बनाऊंगी। और लंच में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं बनाऊंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा हैवी कर लिया था तो मम्मी ने बोला कि आज मटर पुलाव बना लो, तो मैं मटर पुलाव बना लूँगी। और कल का ना लेफ्ट ओवर थोड़ा सा रायता भी है तो वो हम अभी खा लेंगे। पुलाव के साथ रायता अच्छा लगता है तो वो अभी खा लेंगे हम लोग। और नौमी के लिए कर्ड निकाल के रखा है, सुबह ही निकाल दिया था, तो नौमी कर्ड के साथ खा लेगा पुलाव और हम लोग रायते के साथ खा लेंगे। और बस अभी आज हस्बैंड का तो ऑफिस ही है, वो ऑफिस गए हैं। सुबह उनको मैंने सैंडविच बना के दे दिया था तो वो सैंडविच खा के ऑफिस चले गए थे और लेट ही गए वो भी, क्योंकि उनकी 11 बजे तक तो मीटिंग ही चल रही थी तो उसके बाद ही वो गए। और बस अब वो सीधे शाम को ही आएंगे। और तो चलिए अभी मैं जल्दी से लंच बना लेती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। इसके बाद लंच भी रेडी हो गया था तो सबसे पहले मैंने नौमी के लिए थाली लगा दी है और सबसे पहले मैंने उसे खिला दिया था, फिर हमने लंच किया। नौमी की एक आदत अच्छी हो गई है कि वो अब बिल्कुल भी टीवी नहीं देखता है, ना खाना खाते टाइम और ना बाकी टाइम, और फ़ोन तो मैंने उसे बचपन से कभी दिया ही नहीं। और अभी हम आगे हैं सीधा शाम में, तो मैंने कुछ दिन पहले एक पिंजरा ऑर्डर किया था छोटी बर्ड्स के लिए, बट ये गलत पिंजरा आ गया। मैंने ये वाला ऑर्डर किया था बट पता नहीं क्यों ये वाला आ गया और फिर मुझे इसे रिटर्न करना पड़ा। इसके बाद ये क्लिप है रात की, तो हस्बैंड ने आज नूडल्स बनाए थे बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी से, तो हमने डिनर में यही खा लिए थे। और इसके बाद आ गए हैं हम सीधा नेक्स्ट डे और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग की है नौमी ने, तो आप भी देख लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ। आप सभी को पैलाग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम और पैलाग, वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है संडे और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। अभी मैंने नहा के पूजा वगैरह सब कर ली है और नौमी को भी मैंने नहला दिया, उसने उसकी आज हेयर कटिंग करानी थी तो उसके पापा उसे सुबह ले गए थे कटिंग कराने के लिए, उसकी कटिंग करा के मैंने उसे भी नहला दिया था, उसके बाद मैंने भी नहा लिया है और ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया है। हस्बैंड जलेबी लेके आए थे तो हम लोगों ने जलेबी दही जलेबी खा ली थी ब्रेकफास्ट में, नौमी को भी मैंने खिला दिया है तो उसकी दही जलेबी फेवरेट है तो मैंने उससे दही जलेबी खिला दिया था और मैंने भी खा ली थी। और अभी मम्मी पूजा कर रहे हैं, आज अमावस्या है तो आज गाय के लिए खाना निकालना होता है, गगरास देना होता है गाय के लिए, तो मम्मी ने नहा के गाय के लिए गगरास निकाल लिया है और अभी मम्मी पूजा कर रहे हैं। हस्बैंड अभी नहाने गए हैं और आज इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सुबह ही मैंने सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी उसके बाद नहा लिया था। और बस अभी लंच बनाना है तो वो अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी और संडे को तो हमारे पहाड़ी लंच ही रहता है तो वही बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड को ना वीक में सिर्फ एक दिन अच्छे से खाने को मिलता है तो पहाड़ी खाना ही प्रेफर करते हैं, उन्हें पहाड़ी खाने का ही ज़्यादा शौक है, स्वाद लगता है उनको। तो मैंने अभी भट भी गए हैं तो आज मैं फिर से भट के डुबके बना रही हूँ उनके लिए, और हमने तो बीन्स की सब्ज़ी बनाई है तो रोटी और सब्ज़ी हम लोग खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा डुबके खा लेंगे। बस अभी आज संडे है तो देखते हैं हमारा ये संडे कैसा रहता है। कल तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना कुछ था भी नहीं दिखाने के लिए, तो फिर क्या ही दिखाती रोज़ रोज़ एक सी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि सैटरडे और संडे का एक ही ब्लॉग मैं डालूँगी। तो आज देखते हैं हमारा ये संडे कैसा जाता है, तो आप लोग सभी व्लॉग में बने रहिएगा और आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि हम गगरास कैसे देते हैं गाय के लिए, तो दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो ये मम्मी ने गगरास निकाल के रखा है गाय के लिए
और हम लोग जो जो चीज़ें मतलब कुछ मिठाई वगैरह या जलेबी वगैरह जब भी लाते हैं ना तो हमेशा गाय के लिए रखते हैं। और पूरी सब्जी, दही या दही नहीं तो मलाई और थोड़ा चीनी और एक कोई फल, और आज जलेबी आई थी तो जलेबी रख दी है। तो बस इस तरह से हम लोग गाय के लिए घगरास निकाल के रखते हैं। तो चलिए बस अभी लंच बनाना है तो मैं फटाफट से भट भी पीस लेती हूँ और डुबकी बनाती हूँ। हस्बैंड का बहुत फेवरेट है भट के डुबकी, लोग तो घर पे खाते ही रहते हैं ना, तो वो बोल रहे थे कि तुम लोग तो खा लेते हो और मुझे खाने का मौका नहीं मिलता है, तो मैं उनके लिए उनकी ही फरमाइश पे आज फिर से भट के डुबकी बना रही हूँ। हाँ बोलो, भट के डुबकी तो घगरास में नहीं देते ना, इस वजह से आज घगरास में तो ये निकाल दिया सब्जी और पूरी। वैसे अगर दाल राइस बनाते हैं ना तो घगरास में दाल राइस भी दे देते हैं, पर बिना लहसुन प्याज का देना होता है दाल राइस भी। और भटके डुबकी नहीं दे सकते तो भटके डुबकी नहीं दिए, तो इस वजह से हम लोगों ने आज पूरी और सब्जी निकाल दी थी और वही हमने घगरास में दे दिया। तो चलिए अभी मैं फटाफट से भट भी पीस लेती हूँ और फिर डुबके बनाते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोगों ने लंच वगैरह सब कर लिया है और अभी मैं नौमी को सुलाने के लिए आ रही हूँ। नौमी जल्दी आओ बेटा। क्यों ना, मैं वो कह रही पहले मंदिर तो रखती हूँ, भूल जाऊंगी फिर। बा काम कर रही बेटा, आप इधर आ जाओ मेरे साथ, जल्दी आओ। आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ। तो मैं आपको नौमी से मिलाती हूँ। ये है नौमी, बात करो सबसे। हेलो गाइस, अभी उसके सुबह के पास और हम डाले अभी मॉल कुछ भी गाइस, डाला भी मॉल में सुबह सड़क झनकला के ला गया था। हम लोग अभी डीमार्ट गए थे कुछ भी, अभी हम उसके बाद हम मॉल जाएंगे, वैसे प्रोग्राम डालेंगे। हेलो गाइस, ठीक है, ओके बाय। तभी बस मैं नौमी को सुलाती हूँ और नौमी की गप्पे आप सुन ही सकते हैं कि कैसी गप्पे मारता है ये। अभी मैं नौमी को सुलाती हूँ और थोड़ी देर मैं भी रेस्ट करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं सीधा शाम को। सुबह गुड इवनिंग एवरीवन, तो अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी बस मैं नौमी को भी उठा के आ गई हूँ। मैंने दिन में ना सोने की बहुत कोशिश करी पर मुझे नींद नहीं आई। मैं ये है जूस पी रहा है, से हाय। तो नौमी अभी जूस पी रहा है और अभी थोड़ी देर में मैं चाय बनाऊंगी। तो ना आजकल 5 बजे बिल्कुल भी चाय नहीं पी जा रही क्योंकि गर्मी हो गई, होने लगी ना, तो 6 बजे से जैसे पहले चाय पीने का मन नहीं करता है। तो अभी 6 बजे तक मैं चाय बनाऊंगी और आज हमको डीमार्ट भी जाना है ग्रॉसरी लाने के लिए। तो हस्बैंड को बोला मैंने कि चलेंगे करके, तो वो बोल रहे थे कि चाय पीने के बाद चलेंगे। सबसे पहले मैं डिनर वगैरह सब बना के जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे आज संडे है ना, तो रश रहता है वहाँ पे, बिलिंग कराने में टाइम लग जाता है मेन। तो मैं डिनर वगैरह सब बना के जाऊंगी। मैंने ब्लैक वाले चने भिगोए हैं तो वही बनाऊंगी मैं अभी, आटा गूंथ के ही जाऊंगी, रोटी माँ के बनाऊंगी। बेटा कल आपका मैथ्स का एग्जाम है, पढ़ लेते थोड़ा है। कल मैथ्स का एग्जाम है आपका, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना अभी है। अभी मैं नौमी को थोड़ी देर पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद चाय पी के हम लोग फिर डीमार्ट चलते हैं। अब क्या खा रहे हो, क्या ये? डार्क फैंटेसी। इतना बड़ा डब्बा, इतना सारा खा लोगे क्या बेटा? ओनली वन। हाँ मैं वन ही खा लूंगी। ठीक। नौमी को थोड़ी देर पढ़ाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में, तो फटाफट से मैं अभी डिनर भी बना लूँगी। और आज मैंने ना ब्लैक वाले चने भिगोए थे तो मैं वही बना रही हूँ, और दूसरी साइड मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए, तो साथ के साथ मैं चाय भी बना लूँगी। अभी चने भी मैंने चढ़ा दिए हैं और दूसरी साइड पकने के लिए रख दिया है, और 5-6 विसल आने के बाद वो भी पक जाएंगे। और अभी चाय पकने में टाइम था तो मैंने फटाफट से आटा भी गूंथ लिया था, और अभी चाय भी बन के रेडी हो गई है। तो सबसे पहले हम आराम से चाय पियेंगे। और इस बच्चे को देखिए, हर टाइम छोटे बेबी की तरह गोदी में आना होता है इसे। थोड़ा सा भी ज़ोर से बोलो ना तो बोलता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता,
बट इस बच्चे को कौन समझाए कि हमारे पास और है ही कौन जिसे हम इतना प्यार करेंगे। बच्चे भी ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, उन्हें बस यही लगता है कि मम्मा पापा डांट रहे हैं तो वो हमसे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि हमारी भी बचपन में यही सोच थी ना। तो चलिए अभी हम जल्दी से चाय पी लेते हैं और फिर डीमार्ट जाते हैं। अभी हम आ गए हैं शॉपिंग करके और मम्मी आइसक्रीम खा रहा है और इसको कोल्ड हो रहा है, इसको इसका गला खराब हो रहा है, फिर भी आइसक्रीम खा रहा है। देखो आप आगे बैठ रहे हो ना, गाड़ी बाहर से गाड़ी थी। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के 9:30 बज गए हैं और डिनर हमारा हो गया है। हम शाम को डीमार्ट गए थे तो डिनर मैं बना के गई थी, ब्लैक वाले चने बनाए थे मैंने, चने की सब्ज़ी बनाई थी और आटा गूंथ के गई थी, और घर आके सिर्फ मैंने फटाफट से रोटियां बना ली थी। और अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है और नौमी को भी मैंने सुला दिया है। नौमी का कल मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसका ओरल है कल, तो शाम को मैंने वैसे उसे तैयारी तो अच्छे से करा दी थी,
अब देखते हैं कल वो कैसा करके आता है। और डीमार्ट से बहुत ढेर सारी शॉपिंग की है, वो मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो प्लीज़ आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और बस आज का मैं ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को आज का ये ब्लॉग हमेशा की तरह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।